दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जीजीयू से ये नोटिफिकेशन है, तो फर्स्ट लिस्ट के बाद जितनी भी सीटें खाली है और सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है, जिसकी काउंसलिंग 11 अगस्त को होनी है। सभी सब्जेक्ट को मैं यहाँ पर कवर करूँगा और ये भी बताऊँगा कि कौन से सब्जेक्ट का नहीं आया है, और इसका पूरा PDF लिंक भी आपको प्रोवाइड कराऊँगा, जिससे कि आपको अपना नाम देखने में आसानी हो और 11 तारीख की काउंसलिंग में आप जा सके। इसके बाद कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा एडमिशन से रिलेटेड, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत ही काम का ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज के लिए देखते हैं, यानी कि BA हॉनर्स इंग्लिश के लिए 11 अगस्त को। देखिए सभी का 11 अगस्त को है, सेकंड लिस्ट का, ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं। और टाइमिंग के बारे में बता दूं कि आपको 9 बजे वहाँ पर चले जाए, 9:30 से स्टार्ट होगी काउंसलिंग, ये सभी के लिए वही रहेगा। और यहाँ पर फीस वगैरह जिसमें बताया गया मैं बताऊंगा, और फीस के लिए अलग से एक वीडियो, वहाँ पर आप लोग फीस देख पाएंगे। तो डिपार्टमेंट पे अपने अपने डिपार्टमेंट में जाना है, जैसे कि इंग्लिश का डिपार्टमेंट है वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर सीट खाली देख लेते हैं, 8 तारीख का जो काउंसलिंग हुआ था, उसके बाद अनरजिस्टर की सीटें फुल हो चुकी है। OBC की 12 सीटें खाली है, SC की 7, ST 2, EWS 4, टोटल 25 सीटें खाली है BA हॉनर्स इंग्लिश के लिए। उसके लिए सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जारी हुई है। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट जो अब सेकंड लिस्ट में है वो 168 है, और इसका लोवेस्ट 96 स्टूडेंट का नाम जारी हुआ है, जिसमें से कट ऑफ 29 पर आ चुका है। बाकी के डॉक्यूमेंट वगैरह आपको पता है। इसका फीस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 6,500 रुपये है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए सारे डॉक्यूमेंट लिखे गए, और किसी को कुछ और भी सवाल पूछना है कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है। इसका PDF लिंक में आपको ये सभी नंबर दिखाई देंगे, 4 सर के यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। उसके बाद हिंदी की खाली सीटें मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए हिंदी के जो SC कैटेगरी के अंदर 11 सीटें खाली है, ST की 5 सीटें खाली है, OBC की 19 सीटें खाली है, 19 के 19 में से एक भी सीट पर एडमिशन नहीं हुआ है, यहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। OBC PWD की भी सीटें खाली है, EWS की 6 सीटें खाली है, और उसके बाद अनरजिस्टर कैटेगरी के सिर्फ 4 सीटें खाली है, अनरजिस्टर कैटेगरी की 27 सीटें ही भरी है, और टोटल 75 में से 48 सीटें खाली हिंदी के लिए। लेकिन अभी तक इसका लिस्ट जारी नहीं हुआ है, और 11 तारीख को आज की तारीख ठीक है, तो 11 तारीख को इसकी ये होना है, और इसके लिए लिस्ट जारी नहीं हुई है हिंदी का। उसके बाद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए टोटल SC कैटेगरी के अंदर 10 सीटें खाली, ST की 5, OBC की 17, और PWD की भी सीट खाली है, तो टोटल 18 सीटें हैं, EWS की 6 सीटें और EWS PWD की 1 सीटें, अनरजिस्टर की 1 सीट बाकी है PWD के अंदर, अनरजिस्टर की पूरी सीटें यहाँ पर भर चुके, सिर्फ PWD की सीटें खाली, टोटल 41 सीटें यहाँ पर खाली है, और 41 सीटों के लिए 11 तारीख को काउंसलिंग होगी। और उसके लिए देखिए फर्स्ट फ्लोर बी विंग यूटिलिटी बी बिल्डिंग पर जाना है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है वहाँ पर, और यहाँ पर फीस आपको लगने वाला है 6,050 रुपये, जो कि ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI जो भी है आपके पास उससे कर पाएंगे। और यहाँ पर सेकंड लिस्ट जारी हुई है, जिसका कैटेगरी वाइज दिया गया है, नहीं एक साथ दिया है, तो हाईएस्ट स्कोर का यहाँ पर 55% से स्टार्ट होकर लोएस्ट 55 से -3 तक यहाँ पर है, 55 हाईएस्ट है और -3 तक, माइनस वाले को तो जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन 33 स्टूडेंट का यहाँ पर लिस्ट जारी हुआ है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद देखते हैं दूसरा बॉटनी के लिए, तो बॉटनी की वैकेंट सीट यहाँ पर देख लेते हैं, रजिस्टर की पूरी फुल हो चुकी है, PWD की बस बाकी है, OBC की PWD मिलाकर 14 सीटें, ST की 3 सीटें खाली है, SC की 11, और टोटल 35 सीटें खाली है। तो यहाँ पर देखिए आपको जाना है, ठीक है, टाइमिंग वाइमिंग सब मैंने पहले बता दिया है। यहाँ पर लिस्ट देख लेते हैं, इसमें जो हाईएस्ट स्कोर 139 पर आ चुका है, और इसका देखिए टोटल यहाँ पर कैटेगरी वाइज जारी किया गया है,
टोटल नंबर तो नहीं, हर कैटेगरी का अलग अलग लिस्ट जारी हुआ जो कि पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा। लोएस्ट 88 है, 88 नहीं है क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जब जारी हुआ है तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग आएगा इसका। और तो मैं यहाँ पर जो लास्ट में देख रहा हूँ, लास्ट पे जो इनका तो देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 88.51% इसका है। उसके बाद देखिए ये है बॉटनी का, तो बॉटनी के लिए जो है देख लेते हैं बॉटनी का खाली सीटें। यहाँ पर ओबीसी और अनरजिस्टर फुल हो चुकी है पहली काउंसलिंग में, और एससी की 5 सीटें, एसटी की 2 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की 6 सीटें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए वैकेंट सीट को जानना काउंसलिंग में जा रहे हैं तो, क्योंकि इसी पर आपके एडमिशन के चांसेस निर्भर करते हैं कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं, कितनी सीटें खाली। उसके बाद देखिए जो यहाँ पर लिस्ट जारी है उसमें 136 हाईएस्ट स्कोर है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है तो एससी कैटेगरी की जिसमें 5 सीटें हैं उसके लिए 20 नाम जारी किए गए हैं जिसका कट ऑफ 110 है। एसटी कैटेगरी के अंदर 8 नाम जारी किए गए, 128 कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस की 18 नाम जारी किए गए हैं जिसमें 98 जो लोवेस्ट है यानी कि कट ऑफ है, ठीक है। उसके बाद जो आया है ये सेकंड काउंसलिंग लिस्ट है एंथ्रोपोलॉजी, बीएससी एंथ्रोपोलॉजी के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, और यहाँ पर देखिए 4050 रुपीस का फीस है फर्स्ट सेमेस्टर में, और यहाँ पर देखिए टोटल मार्क्स जो है पहला जो नाम है उसका 90.63 है, और उसके बाद इसका लोवेस्ट स्कोर देखते हैं 129 स्टूडेंट का नाम दिया गया है यहाँ पर, इतने लोग जा पाएंगे लेकिन माइनस वाले ना जाए तो ही अच्छा है। और उसके बाद देखिए बीए एंथ्रोपोलॉजी के अंदर दिया गया है, और तो इसमें देख लेते हैं हाईएस्ट स्कोर 94.50 है और इसका लोवेस्ट स्कोर -1.42 है, तो ठीक है यहाँ पर जिनके स्टूडेंट के नाम है वो लोग जा पाएंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर देखिए अनरजिस्टर की सीटें फुल हो चुकी है, पीडब्ल्यूडीबीएस की बाकी है, ओबीसी की 17 सीटें हैं, पीडब्ल्यूडी मिलाकर एसटी की 3 सीटें बाकी है, एससी के अंदर 11 सीटें बाकी है, ईडब्ल्यूएस की 6 और पीडब्ल्यूडी को मिलाकर 7 सीटें। टोटल यहाँ पर 39 सीट अभी भी खाली है, मतलब 50% के करीब एडमिशन हुआ है जिसके लिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स कैटेगरी में लिस्ट जारी हुई। हाईएस्ट स्कोर 88.40 है और इसका कट ऑफ ठीक है, टोटल स्टूडेंट का नाम यहाँ पे जारी कर दिया गया है तो सभी लोग यहाँ पे जा पाएंगे। अब आप लोग देखिए ज़्यादा लो मार्क है वो लोग ना जाए, और उसके बाद यहाँ पर कांटेक्ट नंबर भी दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री का देखते हैं, हिस्ट्री के लिए यहाँ पर सीटें देखिए 4 सीटें रजिस्टर में खाली है, और उसके बाद ओबीसी की टोटल 20 सीटें खाली है पीडब्ल्यूडी को मिलाकर, एससी की 11, एसटी की 5, ईडब्ल्यूएस की 6 सीटें पीडब्ल्यूडी को मिलाकर 107, और टोटल 47 सीटें यहां पर खाली है जिसके लिए देखिए लिस्ट जारी हुई है। तो लिस्ट में हाईएस्ट स्कोर यहां पर 88.64 है बीए हिस्ट्री के लिए, और लोवेस्ट स्कोर यहाँ पर देखते हैं लोवेस्ट बहुत सारे नाम, टोटल नाम यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं 201 नाम जारी किए हैं, तो इसमें से देख लीजिए ज़्यादा लो मार्क्स वाले ना जाए, ठीक है। आप सीट के हिसाब से यहाँ पर जाना चाहिए आपको। पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर आ चुका है, पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पर फीस 6050 है, और उसमें देखिए हाईएस्ट स्कोर सी यू टी यहाँ पर स्कोर जो दिया गया है वो 68.82 है, और इसके बाद सारे नाम जारी कर दिए गए हैं यहाँ पर एक साथ, तो 100 स्टूडेंट का नाम यहाँ पे जारी किया है जो लोग जा पाएंगे। वैकेंट सीट का यहाँ पे ठीक है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी बीसीए के लिए खाली सीटें हैं, खाली सीटें यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए 4 है जिसका कट मार्क्स 70 वाले तक जा पाएंगे, एससी कैटेगरी के लिए 5 सीटें खाली है, ठीक है 4 सीटें खाली इसमें भी जिसमें 88% के और उसके अभाव वाले जा सकेंगे। ओबीसी का 12 सीटें पीडब्ल्यूडी को मिलाकर थी उसमें से 4 सीट ही बाकी है, 98% और उससे ऊपर वाले के लिए रखा गया है,
और उसके बाद EWS कैटेगरी के अंदर एक सीट ही खाली जिसमें 95 अबाव वाले जा पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट सेमेस्टर का जो फीस है 37,450 है। उसके बाद मैथमेटिक्स, BSc मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर लिस्ट जारी हुई है सीटें के बारे में। ठीक है, देखते हैं कितनी सीटें खाली है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, हाँ खाली है यहाँ पर। हाँ देखिए, एक्सक्लूडिंग दोज एप्लीकेशन हुज ऑलरेडी एडमिटेड अंडर रजिस्टर कैटेगरी, तो अनरजिस्टर कैटेगरी वाले नहीं जा पाएंगे, शायद इनकी सीटें फ्यूल हो चुकी है तो नहीं जा पाएंगे अनरजिस्टर कैटेगरी। बाकी के लिए यहाँ पर है, तो क्या इसका हाईएस्ट स्कोर 167 है और ठीक है, और वो लोवेस्ट इसका 105 है, 61 स्टूडेंट के नाम यहाँ पे जारी हुआ है। फॉरेस्ट्री, BSc फॉरेस्ट्री के लिए यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो BSc फॉरेस्ट्री एडमिशन के लिए स्कोर कार्ड और इक्वल टू यहाँ पर दिया गया 87.84% है, और मेरिट लिस्ट सीरियल नंबर जिनका सीरियल नंबर 250 से 576 है, और OBC SC ST और EWS ओनली अनरजिस्टर कैटेगरी की फुल हो चुकी है। तो 87.84 जिनका कट ऑफ है उससे और उससे ऊपर का वो लोग जा पाएंगे। ठीक है, बाकी लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। देखिए OBC की 11, SC की 8, ST की 2, EWS की 2, टोटल 23 सीटें खाली, अनरजिस्टर पहले ही फुल हो चुकी है। फर्स्ट सेमेस्टर का फीस 7,050 है। BSc फॉरेस्ट्री के अंदर ये नाम लिस्ट भी जारी हुए उसी कट ऑफ के हिसाब से 87.5 के हिसाब से 82 और ठीक है, ये लिस्ट भी जारी हुई है। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जो है ये डी फॉर्म के लिए, तो डी फॉर्म के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है और देखते हैं तो इसका फीस कितना है। यहाँ पे वो फीस के लिए अलग से था 29,700 रुपये। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर खाली सीटें देख लेते हैं। अनरजिस्टर कैटेगरी से सभी फुल हो चुके, सिर्फ EWS की 2 सीटें खाली है, बाकी सब कैटेगरी फुल हो चुकी है। ये है डी फार्मेसी के लिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी की सभी सीटें फुल हो चुकी है, EWS की 2 सीटें खाली, जिसके लिए 8 नाम जारी किए गए हैं। यहाँ पर आप लोग लिस्ट में देख पाएंगे वो नाम। और उसके बाद बैचलर ऑफ फार्मेसी के रजिस्टर की 4 वैकेंट सीट है और इसके लिए नाम जारी किए गए हैं, जिसका कट ऑफ 134 है, 149 से 134। OBC की 2 सीटें खाली है, जिसका कट ऑफ 140 से लेकर 132 के बीच नाम जारी किए गए। EWS की 3 सीटें खाली हैं, जिसका कट ऑफ 131 और 121 के बीच के लिए नाम जारी किए गए हैं। SC की 1 सीट खाली, जिसके लिए 3 नाम जारी हुए, 113 से 110 के बीच जिनका नाम है वो लोग जा पाएंगे। और यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है और सारे वही है डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और बी फार्मेसी का देख लेते हैं, देखिए अभी तो आगे का जो लिस्ट आया है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए ये 3 नाम जारी किए, 3 कॉन्टेक्ट नंबर जारी किए, किसी और चीज़ की दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए देखते हैं, तो केमिस्ट्री की SC की 2 और ST की 6 और ST की 2 सीटें ही खाली, बाकी यहाँ पर सभी कैटेगरी फुल हो चुकी है। तो देखिए इनको किसको बुलाया गया, SC कैटेगरी के 6 सीटों के लिए जिनका स्कोर लेस देन 65 अप टू 30 मार्क्स, ठीक है, ये लोग जा पाएंगे। और ST कैटेगरी लेस देन 60 अप टू 30 मार्क्स ये लोग जा पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो BSc इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर जो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट ये है। उसके बाद जो खाली सीटें हैं वो बता देता हूँ, रजिस्टर की 2, EWS की 7, OBC की 20, SC की 11 और ST की 5। द लिस्ट ऑफ ऑल रजिस्टर कैंडिडेट हैज़ बीन एग्जॉस्टेड, तो यहाँ पर देखिए टोटल 45 सीटें हैं, उसके लिए काउंसलिंग होनी है। तो काउंसलिंग में जिन्हें ये लोग उसकी लिस्ट यहाँ पर जारी नहीं की गई है, यहाँ पर क्या लिखा गया, द लिस्ट ऑफ ऑल रजिस्टर कैंडिडेट हैज़ बीन एग्जॉस्टेड, तो यहाँ की जो सभी के सभी दे रहे हैं ऐसी कैटेगरी के वाइज नहीं कि चलो फुल हो चुका है, और ये जो लिस्ट दिखा रही है ये एडमिशन लिस्ट है, ठीक है। तो ये 8 अगस्त के एडमिशन लिस्ट है, तो फिर यहाँ पर 45 सीटें खाली है। अब ये सीटों का क्या होगा इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फिजिक्स के अंदर यहाँ पर आ गया है, फिजिक्स का
7,050 रुपये इसका फीस रखा गया है। और देखिए यहाँ पर EWS की बस 3 सीटें खाली, SC की 1 सीट खाली है, तो EWS की सीट को एडजस्ट कर दिया गया है, तो SC कैटेगरी की सिर्फ 1 सीट खाली है, उसके लिए यहाँ पर 4 नाम जारी किए हैं और उसका 37 से लेकर 33 तक इनका कट ऑफ है। उसके बाद कॉमर्स का बहुत लोग बोल रहे थे नहीं आया करके, तो मैं बता देता हूँ कॉमर्स का भी आ चुका है, टोटल यहाँ पर 63 सीट खाली है। कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो अनरजिस्टर की 7, OBC 37, SC 7, ST 8, EWS 4, टोटल 63 सीट यहाँ पर खाली है, ठीक है, जिसमें से ओपन के लिए 53 और PWD की 10 सीटें हैं। तो इसमें लिस्ट देख लेते हैं, लिस्ट यहाँ पर देखिए हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे कैटेगरी वाइज, चलो ठीक सब एक साथ मिला दिया, तो कैटेगरी वाइज 100 से लेकर 96 और अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है। इसका लिस्ट आप लोग देखिए, हर कैटेगरी का कट ऑफ अलग अलग आएगा और ऑल एलिजिबल कैंडिडेट फॉर दिस कैटेगरी हैज़ बीन कॉल्ड फॉर द फर्स्ट काउंसलिंग, देयर इज नो फर्दर लिस्ट सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। EWS ओपन PWD के अंदर अभी सेकंड के लिए उनको बुलाया नहीं गया है, ठीक है, जो सीटें खाली उसी के लिए बुलाया गया। उसके बाद BSc बायोटेक्नोलॉजी का आ चुका है, तो अनरजिस्टर कैटेगरी के अंदर 4 सीटें EWS की, मतलब टोटल 18 सीटें खाली, EWS की 4 सीटें है, अनरजिस्टर PWD 1, OBC PWD, EWS PWD की 1 सीट, टोटल 18 सीट खाली है। तो SC की 7 सीटें खाली, इसके लिए बहुत सारे नाम जारी किए गए हैं, मतलब कैटेगरी वाइज आप लोग PDF में देख पाएंगे, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद फॉरेंसिक साइंस का भी आ चुका है, तो खाली सीटें हैं यहाँ पर 10 सीटें खाली, अनरजिस्टर OBC 6, SC 1, ST का नहीं है, EWS की 2, टोटल 19 सीटें यहाँ पर खाली है, ठीक है, फॉरेंसिक साइंस के लिए। तो उसके लिए मेरिट लिस्ट जारी की गई, हाईएस्ट स्कोर 146 है और इसका लोवेस्ट हम लोग जाते कट ऑफ 90.12 है। तो ये थी सारी लिस्ट, यहाँ पर मैं जो फर्स्ट और लास्ट पेज बता रहा हूँ लिस्ट का, आप लोग पूरा PDF इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जहाँ पे सारे के सारे नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे सेकंड काउंसलिंग के लिए। अब मैं बता दूँ, इसमें आपको हिंदी, बैचलर ऑफ सोशल वर्क और यहाँ पर इसी का जो है नहीं आया है, और रूरल टेक्नोलॉजी की लिस्ट यहाँ पे जारी नहीं हुई है सेकंड वाली, अब 11 तारीख का काउंसलिंग हो सकता है आज जारी हो जाए, तो उसका भी डिटेल वीडियो आपको इस मेरे चैनल पर मिल जाएगा जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा। बाकी के सारे लिस्ट के PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।